हाँ जी दोस्तों नमस्कार, मैं अमित पाल आप सबका स्वागत करता हूँ फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग सीखेंगे दिल ले गया परदेसी कोई रोकना था, इस सॉन्ग को सीखेंगे इसकी ओरिजिनल स्केल में। जो इसकी ओरिजिनल स्केल है वो है जी शार्प मेजर। तो इसमें सबसे पहले जान लेते हैं कौन कौन से स्वर यूज होंगे, फिर इसके बाद स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। सा, शुद्ध रे, शुद्ध गा, मा, पा, शुद्ध धा। अपना काम यहाँ तक हो जाएगा। और म्यूजिक पीस में ये कोमल नहीं यूज होगी, और मंद्र सप्तक में शुद्ध धा और ये पा, इतने स्वर यूज होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रो म्यूजिक से। जो स्ट्रिंग से शुरू में प्ले हुआ है ये यहाँ से प्ले होगा, पा और कोमल धा, ये दो स्वर यूज होंगे। ये प्ले होने के बाद में फिर एक दूसरा फिलर पार स्टार्ट होता है यहाँ से, और फिर दूसरा फिलर पार्ट, ये, और फिर इसके बाद यहाँ से दूसरा फिलर पार्ट चालू होगा। अब स्टार्ट होगा मुखड़ा। तो इस म्यूजिक पीस को देख लेते हैं किस तरह से प्ले होगा। पावर धामे, इस तरह से प्ले होगा। और फिर इसके बाद में दूसरा फ्लर पार्ट यहाँ से, और फिर दूसरा फ्लर पार्ट यहाँ से, और फिर तीसरा फिलर पार्ट यहाँ से, अब स्टार्ट होगा मुखड़ा। और यही चीज यहाँ से प्ले होगी पासे, और सेम वही फिर लाइन स्टार्ट होगी दिल ले गया परदेसी, तो इसे देखते हैं स्लो मोशन में किस तरह से प्ले होगा। फिर से देखते हैं, और फिर ये सेम लाइन यहीं से प्ले होगी, क्या होगा होगा मेरा,
और फिर दिल ले गया परदेसी। यहाँ तक आपका मुखड़ा हो जाता है कंप्लीट, और फिर इसके बाद आता है म्यूजिक पीस, फिर इसके बाद अंतराव। तो जो हमने म्यूजिक पीस पहले सीखा था सेम उसी तरह से प्ले होगा यहीं से। फिर से देखिए, अब दूसरा फिलर पार्ट शुरू होगा यहाँ से। ये है म्यूजिक पीस, और फिर इसके बाद अंतरा स्टार्ट होगी। तो इस म्यूजिक पीस को देखते हैं। फर्स्ट में देखते हैं प्ले करके, और सेम यही कोरस में प्ले होगा। और फिर यहाँ से इसमें कोमल नहीं यूज हुई है, और फिर यही, और फिर अब स्टार्ट होगा अंतरा यहाँ से शुद्ध गा से। और फिर सेम लाइन यहीं से प्ले होगी। और आगे की लाइन यहाँ से स्टार्ट होगी माँ से। तो इसे देखते हैं किस तरह से प्ले होगा। और फिर इसके बाद फिलर पार्ट है। और फिर सेम लाइन यहीं से प्ले होगी। और आगे की लाइन यहाँ से। और फिर इसके बाद स्ट्रिंग रनिंग पीस चलेगा यहाँ से, सारे स्वर से जो हैं शुद्ध यूज होंगे। इस तरह से आपकी ये अंतरा कंप्लीट हो गई।
तो इसे देखते हैं एक बार फिर से, इस म्यूजिक पीस को जो रनिंग पीस चला था स्ट्रिंग का। यहाँ से फर्स्ट में प्ले होगा, और फिर से हम वही मुखड़े वाली लाइन प्ले होगी। और इसके जो आगे की अंतरा है वो सेम इन्हीं स्वरों पे प्ले होगी, जैसे ये फर्स्ट हमने अंतरा सीखी यहाँ से, सो सेम वो भी यहीं से प्ले होगी, कोई एक्स्ट्रा स्वर नहीं है। तो दोस्तों आज तक के लिए बस इतना ही, तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।